जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम आज आपको उस जगह पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जहां पर शेड की कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। इस मटेरियल यहाँ पे पहुँच चुका, भर्ती वाला काम काफ़ी हद तक हो चुका, नींव जो है डॉक्टर साहब ऑल राउंड हो गई। हाँ जी, चारों तरफ जो है नींव भर दी गई हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे एक शेड बनाने जा रहे हैं। इस शेड को बनाने का मकसद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पे इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसका बकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। स्किल्स इम्पार्ट करेंगे, आपको स्किलफुल बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेयरी फार्मिंग में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कारोबार कैसे करना है, कारोबार में आ गए हैं मुश्किलात कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, उन चैलेंजेस के साथ कैसे निमटना है, डेयरी फार्म के रूटीन के प्रोसीजर जो हैं कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से, तो सबसे बड़ी बात शेड के हवाले से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ईच एंड एवरी थिंग। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे बैजेस की शक्ल में आप लोगों को इन्वाइट करेंगे, एडमिशन अपने ओपन करेंगे। डॉक्टर साहब कब तक ये हमारे ख्याल है, कब तक हो जाएगा? जी इंशाल्लाह सर नवंबर एंड तक हो जाएगा। हम दिसंबर की बात करें, हाँ जी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये आपको याद होगा, तब भी हमने दिसंबर की बात की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन हमारी चलती जा रही है, दिसंबर तक इंशाल्लाह इसको हम हमारी कोशिश है कंप्लीट करें, और 15 दिसंबर के बाद हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे हमारा जो पहला बैच है फार्मर्स का, स्टूडेंट्स का, वेटनरी असिस्टेंट्स का, जिनके लिए डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लेकर आएंगे, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब को मैंने कह दिया कि यहाँ पर शेड पर आने वाला टोटल खर्चा, जिसमें नींव शामिल है, ये फिलिंग शामिल है जो भर्ती यहाँ पर डाली गई है, इसके बाद यहाँ पे इरेक्शन होगी, पिलर्स बनेंगे, जो शेड का डिज़ाइन क्या है, शेड पे छत कौन सी लगाई गई है, छत को कैसे कवर किया गया है। छोटे लेवल पे अगर आपने फार्मिंग करनी है, आप शेड पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो, करोड़ों रुपया नहीं है आपके पास शेड बनाने को, कैसे आप एक कंफर्टेबल शेड बना सकते हैं जो करोड़ों भी ना लगें, काम भी हो जाए और वलैती गायें भी आप उसमें रख सकें, तो ये एक शेड जो है यहाँ पे बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसका पूरा डिटेल जो है वो हम नोट कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जब इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का आगाज़ होगा तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा नॉलेज जो है, ये इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचा देंगे। दरअसल जो कंस्ट्रक्शन अभी तक हो चुकी है, कितने बंदे यहाँ पर आप मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं? सर जो मेरा ख्याल है कि कोई 12 या 15 के करीब जो है ना एक सेशन मैक्सिमम जो है ना वो 15 तक हो गए, 15 तक ले सकेंगे हम। देखिए हमारे पास चूंकि हमने देखना है कि हमारे पास अकोमोडेशन कितनी है, अब ऐसे तो नहीं होगा कि यहाँ पे बंदे से बंदा चढ़ा दें, इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग सुकून से काम कर सकें। आप लोग हमारे मेहमान होंगे, हमने आपको जनाब बिल्कुल जो है मोतियों की तरह रखना है आप लोगों को, बड़े एहतियात से हर चीज़ जो है आपका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करनी है। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उतने लोग अरेंज करें जिनको हम संभाल सकते हो, ऐसा ना हो कि हम जो है यहाँ पे 15 सेशंस हो जाएंगे ना, सेशन डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जो होंगे वो कोशिश करेंगे दो दो हफ्ते का अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए। आज के दौर में डॉक्टर साहब मेरे ख्याल 2 हफ्ते में निकालना बड़ी बात जी सर, 8 से 10 दिन ही निकल 8 से 10 दिन निकल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम कहेंगे कि आ जाए हमारे पास 3 महीने का आपका सेशन है, तो मेरे ख्याल है कि डेयरी फार्मिंग से निकल के 3 महीने अलग हो जाना आप लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि 15-15 दिन का मॉड्यूल बनाए, और 15 दिनों के अंदर एज मच एज इंफॉर्मेशन जितनी को हम आपको दे सकते हैं। हम जब ट्रेनिंग करवा रहे होंगे उससे पहले हम जब इंशाल्लाह YouTube पे आपको बताएंगे कि ये हमारी फलानी डेट से जो है अप्लाई करना शुरू कर दें आप, और जो ट्रेनिंग करवानी है उस ट्रेनिंग में जो जो चीज़ें सिखानी है वो इंशाल्लाह पहले बताएंगे कि यार ये ट्रेनिंग होने जा रही है, इस ट्रेनिंग में मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें हमने एनिमल्स का बंदोबस्त किया है, हम इंसेमिनेशन सिखाएंगे, हम जानवरों का जो है वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सिखा रहे होंगे, ब्रीडिंग के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं, एनिमल सिलेक्शन की बात हो रही होगी, तो ये हम पहले बता देंगे ताकि आपको पता लगे। अब कई बंदे ऐसे हैं फार्मर ही है फॉर एग्जांपल, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है इंसेमिनेशन सीखने में तो उनको नहीं आना चाहिए जी। वो फार्मर जो न्यूट्रिशन पे जैसे आज इंडिया से एक फार्मर इंडिया से वो मुझे कहते हैं जनाब कि मैं न्यूट्रिशन पे जनाब मुझे प्रोटीन कैलकुलेशन और ड्राई मैटर कैलकुलेशन और कैल्शियम ये वो अल्टम पल्टम करना चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो न्यूट्रिशन को अपने बताते खुद सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम्स पूरे बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जब आप लोग यहाँ से जाएं तो उस पर ग्रिप आपकी हो जाए, इतनी हो जाए कि आप अपना रोज़मर्रा का काम चलाने की फेज में आ जाएं।
अगर कोई वंडा बनाना चाहता है अपने फार्म पे, वो तो वंडा डिजाइन कैसे करना है, उसके लिए क्या सर वंडा फार्मुलेशन तो मेरा ख्याल है कि हर सेशन में होनी चाहिए, हर सेशन में ही करेंगे हम, कोशिश करेंगे कुछ चीजों को बुनियादी कर लेंगे और साथ एडिशनल जो है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब यहाँ पे ट्रेनिंग का आगाज होगा तो हमारे जो मुअज्जज़ मेहमान हैं वो डे एंड नाइट हमारे पास ही स्पेंड कर रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जारी बात है फार्म के जो प्रोसीजर्स हैं कुछ दिन के करने वाले हैं, कुछ रात के करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि दिन रात आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करें, जो रात के करने वाला काम है वो रात में सीखें, जो दिन के करने वाला काम है वो आप दिन में सीखें। इसी तरह डॉक्टर साहब खाने का बंदोबस्त यहीं पर ही होगा? हाँ जी, सारा कुछ यहीं पे, सारा खाना भी, मील भी प्रोवाइड किया जाएगा और रिहाइश भी, मील भी सभी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। ये बंदे से आज मेरी तकरीबन कोई 18 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं यकीन करें कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं किस तरीके से जनाब गुस्सा अपना निकालूं, क्योंकि इस बंदे से फ़ोन पे रब्ता ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते और उस शदीद मुशक्कत का शिकार है। लेकिन उसका मसला जो है मैंने देखा है डॉक्टर साहब, रूटर शूटर लगा लिया, लगा रहे हैं नेट के सिग्नल इंप्रूव। कब तक कर लेंगे आप सर? इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 days मतलब यहाँ पे हमारा नेट टली यंग हो जाएगा इंशाल्लाह, आपका वाईफाई बेहतरीन हो जाएगा। जी जी। तो नहीं, ये भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इंटरनेट के प्रॉब्लम को भी यहाँ पे हल कर लेंगे। तो आजकल चूंकि व्हाट्सएप का दौर है तो व्हाट्सएप पे ज्यादातर लोग रब्ता करते हैं, हमारे मैसेजेस पे जो है ना जी लोग जो है ना व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग तैयारी रखें। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैसेज करके कि आप लोग ये काम कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको बता दें कि काम शुरू है। और छत के मामले में बता दें कि पार्टियों से बात हो चुकी है, उनसे छत के ऊपर जो है वो रेट शेड लिया जा चुका है। आज मैंने डॉक्टर साहब के साथ बैठ के पूरे शेड का जो मैप है वो डिज़ाइन फाइनल कर लिया है। अब इंशाल्लाह हो अज़ीज़ बहुत जल्दी यहाँ पर जो है मेरा ख्याल है कि 2-2.5 महीने का काम है। हमने फिर भी आपसे जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है ताकि आप लोग जो है हम कल को ये ना कहिए कि अगले महीने होगा या उससे अगले महीने होगा। हमारी कोशिश है कि हम दिसंबर के अंदर जो है आपको इनवाइट करें अपने पास, ऑल अराउंड पाकिस्तान जो भी कोई आना चाहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, कई लोगों को ये लगता है कि शायद हम कोई डिग्री करवा रहे हैं, भाई ये नहीं है। ये मैं आपको अब क्लियर कर दूँ, हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम डिग्री नहीं दे रहे। डिग्री अगर आपने लेनी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, भुवरी सिन्हा इंस्टीट्यूट है, यूएस है, रिफा है, बहुत सारे इदारे हैं जो आपको डिग्रीज देते हैं। वहाँ पे जाएं, 2 साल का कोर्स है और वहाँ पे बकायदा मैट्रिक विद साइंस के साथ आपका एडमिशन होगा, मेरिट पे आपका नंबर आएगा, आप दाखिला लें, 2 साल बाद डिग्री करें और अपना फील्ड में काम करें। हमारा जो बेसिक इदारा है हम सिर्फ स्किल को आगे देंगे। आपने सुना होगा ना कि बच्चे एक जाते हैं जी फलाने जगह पढ़ने के लिए, क्या करने जाते हैं जी? वहाँ पे कंप्यूटर पे सीखने जाते हैं कि ऑनलाइन काम कैसे करना है। तो वो बच्चा जिसको सिर्फ मैट्रिक या एफए है वो जाता है, वो देखता है कि ऑनलाइन मैंने काम कैसे करना है, वो ऑनलाइन काम सीखता, अपना काम शुरू कर देता है। इस हद तक हम आपको सिर्फ स्किल देंगे, हम आपको आपकी जो है ना आपको बताएंगे न्यूट्रिशन में हमने फार्मूलाज कैसे कैलकुलेट करने हैं, हम आपको बताएंगे मिल्किंग करनी है तो उसका सही तरीका क्या है, हम आपको बताएंगे शेड बनाना है तो उसका सही तरीका क्या है, हम आपको शेड की कॉस्टिंग बताएंगे, बिजनेस का मॉडल बताएंगे। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बिजनेस मॉडल का लोगों को नहीं पता, लोग बड़े शौक से डेयरी में आते हैं लेकिन बिजनेस मॉडल का चूंकि नहीं पता होता तो वो बाद में जो है 1 से 1.5 साल के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार होकर जो है वाइंड अप करने की तरफ चले जाते हैं। जब आपको बेफस से पता होगा ना कि डेयरी में 3 साल का सफ़र आपने कैसे तय करना है तो फिर आपके लिए आसानी होगी, फिर आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। अगर मैंने आपको आज बता दिया ना कि भाई डेयरी में 3 साल का सफ़र पहले आपने तय करना है, उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके पास वारे न्यारे हो जाएंगे। अमूमी तौर पर ज़्यादातर फार्मर जो है 3 साल से पहले ही दम दे जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और फिर जो 3 सालों में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन 3 सालों के अंदर भी अपने आप को ब्रेक इवन से ऊपर रखते हैं। हमारा मसला ये है कि हम एक दफ़ा शेड बनाते हैं, उसमें एक ही दफ़ा जानवर डाल लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि बस इसको चलते ही रहना, ऐसे 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 नहीं चलता, इसको चलाने का तरीका है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको स्किल, ये हुनर जो है हम आपको दे रहे होंगे हमारे छोटे फार्मर को या वो बंदे जो काम करना चाहते हैं उसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं। इसके हवाले से डॉक्टर साहब आपने इस पर वर्किंग की है कि यहाँ पर हमारे पास जो बंदे आ रहे होंगे, जो यहाँ पर हमारे मेहमान होंगे, डेफिनेटली आपका इस पर खर्चा है, कॉस्ट है, इतना बड़ा शेड भी आपने बनाना है, रिहायशें भी हैं, आप मील भी दे रहे होंगे, रात का खाना भी है, बिजली के खराजात भी हैं, कभी कोई कैलकुलेशन अभी आपने की है कि हमारा जो एक
दो एक हफ्ते का जो हमारा ट्रेनिंग होगा, इसमें कितनी को कॉस्ट आ रही होगी फार्मर को? नहीं सर अभी तो नहीं की, लेकिन इस पे काम कर लेंगे इंशाल्लाह कि मील पे कितना खर्चा आएगा जी, ठीक है ना, वो डेफिनेटली जब सेशन स्टार्ट। मेरी एक गुजारिश है, तीन टाइम का मील कीजिएगा, ठीक है, जिसमें ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, दो टाइम की चाय हो जी, ये कीजिएगा ताकि लोग यहाँ पर आए तो 2 किलो वजन गेन करके जा रहे हो, ठीक है ना जी, हमने कमजोर करके नहीं भेजना। दूसरा, मेरी दूसरी गुजारिश ये है आपसे कि जो रिहाइश है वो भी कंफर्टेबल हो, अच्छी हो। सर वो इंशाल्लाह अच्छी होगी, जैसे मतलब जिस तरह की आपने सोची होगी ना उससे अच्छी होगी, अच्छी होगी, मतलब लोग आए तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ही काम सीखा जाता है। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वहां पे तंग हो के यार 10 दिन लग जाए किस तरीके ना, ये काम ना हो। नहीं नहीं सर, ठीक है ना, लोग आराम से अच्छा जो है ना रिहाइश अच्छी हो, खाना अच्छा हो, ताकि यहाँ पर जो आपने 10, 14, 15 दिन गुजारने हैं आपको ऐसे ही फील हो जैसे आप अपने घर के अंदर है। इनशाला चलिए जी, इस पर वर्किंग व्हाट्सअप कह रहे हैं हम कर लेंगे बाद में, और वो सेशन शुरू होने से पहले जो है वो हम बता देंगे कि यार इतने डेज का है ये सेशन और इस पे इतनी कॉस्ट, इस पे इतनी कॉस्ट आ रही है। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। और डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज है टाइम, आपने भी टाइम देना है, हमने भी टाइम देना है। डेफिनेटली अगर आप 15 दिन के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे, 7, 8, 9 दिन मैं दे रहा हूँ, 7, 8, 9 दिन डॉक्टर साहब दे रहे होंगे आपको सिखाने के लिए, यहाँ पे फुल टाइम आपके साथ गुजारना है। टाइम इज मनी, टाइम जो है इस वक्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महंगी चीज दुनिया में है ही वक्त है, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, हमें आपको मेरा ख्याल है सर, ये भी फार्मर्स नु पूछ लेना चाहिए था कि 7 डेज होना चाहिए था, 10 डेज होना चाहिए था। चलें आप लोग किसी कमेंट्स में जरूर बताएं, आप चूंकि टाइम आप लोगों ने देना, आप बताएं कि आपके ख्याल में जो सेशन है, जो ट्रेनिंग सेशन है, क्या वो 7 दिन का होना चाहिए, क्या वो 15 दिन का होना चाहिए, क्या वो 10 दिन का होना चाहिए, ये आप लोग हमें बता दें, तो उसी हिसाब से फिर हम मैनेज करेंगे, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। कौन कौन सी चीज इतने दिनों में सिखाई जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है, कितने टॉपिक्स छेड़ सकते हैं, कितने टॉपिक्स, और आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम निकाल ही 7 दिन सकते हैं, तो 7 दिन में 2-3 टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे, 4-5 टॉपिक्स ही छेड़े, हम ज्यादा टॉपिक्स को छेड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट डे में चले जाएंगे, नेक्स्ट जो है हमारी ट्रेनिंग में चले जाएंगे, क्योंकि हमने आपको ऐसे नहीं करना कि एक पढ़ा आगे आपके ऊपर से गुजार के आपको भेज देना, हमारी कोशिश होगी जो चीजें आपको सिखाई जाए, जो आपको पढ़ाई जाए, जो आपको नॉलेज आपको हमने देना है, वो हम चाहते हैं कि जब यहाँ से आप जाएं तो उस पर आपकी ग्रिप जी, अपने अपने फार्म पे जाके अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करें, आपको मजा भी आए काम करने का, फिर जी हमारा जो है ना सारा का सारा ये खेचल करने का, ये सारी की सारी एफर्ट करने का मजा ही था। अगर हमने सिर्फ ऊपर से चीजें गुजार देनी है कि आप जब यहाँ से जा रहे हो आपको समझ ही ना आ रहा हो कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, फिर ना उसका आपको फायदा ना उसका हमें फायदा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग हम दें उससे पाकिस्तान की डेयरी फार्मिंग को फायदा हो, पाकिस्तान में काम करने वाला डेयरी फार्मर जो है उसको फायदा हो, इन्वेस्टर ज्यादा है, अच्छे तरीके से काम करें। बड़ा दुख होता है जब लोग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बताने वाला होता कोई नहीं है, बाद में 1.5 साल के बाद जो सेटअप वाइंड अप करने लग जाते हैं, जब वो वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग जो हैं उसका उनका रिस्क जो है ना वो सेटअप के साथ जो है वहाँ से ख़त्म हो जाता है, फिर लोगों को आगे पीछे अपनी नौकरियों की तलाश करनी पड़ती है। देखिए एक फार्म है ना जी, वहाँ पे डॉक्टर का रिस्क है, वहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट का रिस्क है, वहाँ पे काम करने वाली लेबर का रिस्क है, जिसमें मिलकर मैन है, सफाई करने वाले हैं, फीड डालने वाले हैं, चौकीदार है, कुक है, वहाँ पे फिर ऊपर से आ जाएं वंटा बेचने वाले हैं, उनका रिस्क है, अगर आप वंटा खुद बनाते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स को मार्केट से खरीदेंगे, उनका रिस्क लगा हुआ है, फिर वहां पे बहुत सारी मेडिकल रैप्स आपके पास आएंगे, मेडिसिन वाली कंपनी आएगी, वैक्सीनेशन वाले आएंगे, सीमन वाले आएंगे, तो डेयरी फार्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा होता है। एक सेटअप बंद होता है तो कई सारी जो फैमिलीज हैं उनका रिस्क जो है वहाँ से ख़त्म होता है, फिर उन लोगों को आगे पीछे जो है अपना रिस्क तलाश करना पड़ता है। जितना फार्मर ग्रो करेगा उतनी सारा जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना ज़रा हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। ये जो आज लोग डॉक्टर साहब बाहर भागे जा रहे हैं जी जी, क्या वजह है? कोई जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, वजह क्या है कि अगर जॉब है भी तो उसमें उतना जो है वो अखराजात पूरे नहीं हो पाते, वो मैनेज नहीं होता, मैनेज नहीं, मंथली मैनेज करना बहुत, तो अल्लाह करे हमारी ये एफर्ट जो है अपने हमारे लिए दुआ करनी है, अल्लाह की जात जो है हमें हमारे जो हमारी जो कोशिश है उसमें अल्लाह हमें एक तो इखलास दे और हमें इसमें कामयाब करे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।